फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी कंचू। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा सुंदर सा मैट। एंड गाइस, ये इसे आप रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये रंगोली होने वाली है बिल्कुल पोर्टेबल, ईजी, रीयूजेबल एंड वॉशेबल ऑल्सो। तो ये देखिए, इस तरह से साबुन पानी से मैंने इसे घिस घिस के धोया और ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है रैगजीन। ये हमारे यहाँ पर कुछ काम हुआ था तो उसमें से ये रैगजीन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो तभी मैं इसको देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया एंड मैंने उठा लिया है अपना कंपास और बस रैंडमली मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊंगी। आप जिस भी तरह की डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरह की बना लें। गूगल पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगी रंगोली की एंड कलर शेडिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो फटाफट से हम यहाँ पे चॉक की हेल्प से डिज़ाइन बना लेते हैं। बिकॉज़ ये थोड़ा सा ब्लैक था इसलिए मैंने यहाँ पे चॉक का यूज़ किया है ताकि हमारी डिज़ाइन परफेक्टली दिखाई दे एंड उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। सो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे रंगोली के, बट ये रंगोली इसलिए खास होने वाली है क्योंकि हम इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है वूल एंड ये ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे चिपकाने वाली हूँ। आप चाहे तो किसी दूसरे ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लू गन मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगी क्योंकि इससे डिज़ाइंस बनाने में आसानी होगी एंड परफेक्टली हमें जो शेप चाहिए होगा वो हमें ईजीली मिल सकता है। सो चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे मैं जो येलो कलर का वूल यूज़ कर रही हूँ उसको देखिए, लगाने के बाद बिल्कुल रियल जो गेंदे का फूल होता है उसकी फीलिंग आ रही है। लग रहा है कि हमने रियल गेंदे के जो पेटल्स होते हैं ना उन्हें ही चिपका दिया है। तो आप देख के बताइएगा कि आपको ये रंगोली मैट कैसा लगा और आप इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड बार बार इसे यूज़ करके और वॉश भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रैगजीन का यूज़ किया है, क्लॉथ का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो ओल्ड क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं एंड ये रैगजीन जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा एंड ज़्यादा समय तक अच्छे से टिक पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रैगजीन का यूज़ किया है। अब हम ग्रीन कलर के वूल के बाद एक आउटलाइन भी देंगे ताकि ये जो हमारी पेटल्स हैं वो अलग अलग दिखाई दें एंड इसमें ऐसा लगे कि अलग अलग पेटल्स हमारी हमने बनाई है।
अब सीजर की हेल्प से हमें इस तरह से नीटली कट कर लेंगे। है ना कितना आसान तरीका, कितनी इजी वे में हमारा ये रंगोली मैट बनके रेडी हो गया। अब आप इसे फोल्ड करिए, वॉश करिए या किसी भी तरह से रखिए एंड आप इसे उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या आपको कहीं और जाके जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तब भी आप इसे वहीं ले जा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से पानी डाल के अच्छे से धोया है एंड यहाँ पे मैंने साबुन का यूज़ किया है। एंड कपड़े धोने वाली साबुन का यूज़ आप मत करना क्योंकि उससे जो वूल है उसका कलर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसमें सॉफ्ट आपको सोप ही यूज़ करना है, माइल्ड सोप का आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं गई है एंड ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। So that's all for today's video. मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से DIY के साथ। Till then, take care. Bye bye. Thanks for watching.